होता न मानव के अंदर तो पाहल में देवता कभी बस न पाते। जीवित जो न होती व्यवस्था वतन में हम भरोसा अगर न किसी पर जताते। खेल संसार का सारा विश्वास पर खेलता ही तो इंसान लाता नजर। किसी गंदे कुकर्मी के खातिर यहाँ क्या संतोष ढाओगे सब पे कहर। ए भैया इस समाज के कैसन दर्द हो जोना के जानब आप लोग के जरूरी बा। मास्टर भैया बिरहा का पहली गीत हो, कौन गीत हो? आहो हो ला 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 अरे मुझको तड़पूता अरे मुझको तड़पूता छोड़ गया है मुझको तड़पूता। बेदर्दी दिल बेदर्दी दिल तोड़ गया है अरे मुझको तड़पता छोड़ गया है बेदर्दी दिल तोड़ गया है। प्यार के बदले प्यार के बदले प्यार दिया ना प्यार के बदले जोड़ गया है गम का रिश्ता ए भैया कवि जी एक लाइन ये इंसान के ऊपर लिख लें का भाव हो। अरे मानव अबू अरे मानव अब शैतान बना है मानव अब जुर्म किए हैवान बना है बना है जुर्म किए है वाने बना है। परखन पावे कौन है अपना परखन पावे बना है मिठा गाँव
ऐसा कहानी बा क्या बताऊं सच कलेजा काप जाता है। सृष्टि का नियम मेरे ना समझ में आता है कौन अपना इस जमाने के नजीरों में। पहचान मुश्किल है आज के वजीरों में। अपना हो के जब अपनों से सिद्ध करता है। भय का भाव नहीं ना किसी से डरता है। विचित्र बात एक सुनाता हूँ हवाले से। बचना मुश्किल है बुरी नियत के वाले से। जमालपुर थाना में मिर्जापुर खास सही। बस वही बगल जय पुट्टीपुर गाँव वही। संतोष बिरंदर में बेसी बेसुमार रही। संतोष बिरंदर में दोस्ती बेसुमार रही। मेल परिवार में जो कि शतक के पार रही। भैया जिला मिर्जापुर थाना जमालपुर के अंतर्गत एक गांव जयपट्टीपुर जहां के रहे वाला एक छोटा से परिवार संतोष भारती। ए भैया संतोष भारती के परिवार में एक छोटा बच्चा एक बिटिया बा। परिवार बहुत बढ़िया से चलत बा लेकिन वही गांव में चंदौली जिला से चलकर जो आकर वहां पर रहते थे उनका नाम बताया गया बीरेंद्र गौड़। ए भैया बीरेंद्र गौड़ आकर उसी गांव में रहने लगे निवास लेकर और अपना कारोबार करने लगे। कारोबार में भैया वो चक्की चलाते थे दाना पीसते थे और गांव में लोगों को झाड़ फूक भी किया करते थे और सूद पर पैसा बांटते थे। ए भैया जब बीरेंद्र भले बाहर से आए रहना लेकिन वह गांव में रहत रहत धीरे धीरे संतोष से बीरेंद्र से और पूरे गाँव से लगाव हो जाता है और संतोष बीरेंद्र में इतनी गहरी मित्रता हो जाती है एक परिवार की तरह लगाव हो जाता है। ए भैया संतोष बीरेंद्र के घरे आना जाना और बीरेंद्र का संतोष के घर पे आना जाना। लेकिन कभी कभार जब बीरेंद्र संतोष के घर पे जाता था तो वो शराब भी पीता था संतोष के साथ में। थोड़ा शराबी किस्म का था लेकिन जब संतोष घर पे नहीं रहते थे तो अगर मौके से पहुंच जाता था तो करता क्या था मुन्ना भैया गीत लग लिया गीत है बा जैहा सहरिया में बच के कहीं धक्का लगे ना। नशा के चढ़ल खुमरिया नशा के चढ़ल खुमरिया तब लड़ावे नजरिया। ए भैया वही घर पे जाता था संतोष के पत्नी जेकर नाम सोना बतावल गई। सोनम से के प्रति उसका निगाह गलत होने लगा। इस बात को देखने के बाद एक दिन सोना कहती है कि ये आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। आपसे एक पारिवारिक संबंध है और आप क्या सोचते हैं मैं वैसी औरत नहीं हूं। ए भैया जब इतना बात के सुन ले बात है कि बहुत बेकार लगल लेकिन जेकर आदत खराब रही वो मनबे ना करी तब फिर का करत बा सुमन के दिल में बसवले बा दिल में हरकत बढ़वले बा मनवा में उपजल बीमरिया मनवा में उपजल बीमरिया वो लड़ावे नजरिया। ए भैया संतोष की पत्नी जब सोनम उसको डांट देती है
तब उसके तरफ से निगाह मोड़ लेता है, लेकिन संतोष के एक बिटिया रहल जेकर नाम सुमन, उम्र लगभग 17-18 साल रहल। ए भैया उसकी निगाह उसके बिटिया के तरफ चली गई और वो गलत निगाह से उस बेटी को देखने लगा। ए भैया देख है घरे आना जाना, और चक्की भी मैंने बताया कि आटा चक्की भी उसके पास थी, तो कभी कभी घर पे आटा नहीं रहता था तो संतोष भी आटा लेने के लिए उसकी दुकान पे जाते थे, कभी कभी बिटिया भी जाती थी, कभी कभी संतोष की औरत भी जाती थी। ए भैया धीरे धीरे समय बीत रहा है और समय बीतते बीतते इतना ओवर हो गया कि एक दिन संजोग से संतोष घरे ना रहले और उनकर पत्नी ने जाके अपने बिटिया के सुमन के कहने की जा वीरेंद्र चचा के चक्की पर से आटा लेके आवा तब खाना बनी। ए भैया सुमन चलल बा आटा लेवे खातिर, जब वहां पहुंचल तो कवि जी यहाँ गीत बदल दे। अरे सावन महीनवा सवनैया निकला गेला और काला तिलक गलवा के गोरैया निकला गेला और रस रस झूलले झूला नवा राधा हो कान मन मोह। भाव हो शाम के बेला बा मुनियार होत बा, अरे एक बेर रहल उह सजिया कबेलावा और घर में बनावे खातिर रहल नया धेलावा और चल भैले बबुनिया आटा लेवे उस बार पहुंची चक्की धर्मा। ए भैया शाम के बेला पे घरे में कुछ बनावे के ना रहल आटा ना रहल ते सुमन आटा लेवे खातिर वीरेंद्र चाचा के चक्की पे चली जाती है। ए भैया कभी कभार वो हमेशा चक्की पे आती थी लेकिन वीरेंद्र को मौका नहीं मिलता था या अंदर से हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम इसको कुछ बोल दें, लेकिन उनकी संजोग ऐसा रहल कि केहू चक्की पे ना रहल वीरेंद्र अकेले रहले और जब पहुंचल सुमन के पहले तो बर्दाश्त ना कैले अकेले देख के कहत उनका अरे दाना पिसत रविंदर रहल अकेला और पाई गईले मौका तब देखावे लगल खेला और समझ ना बबुनिया चाचा निकले कलाकार आईली चक्की धर्मा। भैया जब सुमन आ जाती है चक्की पे कहना अरे बेटा सुमन, अरे अंकल जी आटा नहीं, आज पापा नहीं थे तो मम्मी ने हमको कहा कि जाओ आटा लेकर आओ। कहे बेटा ये तो क्या है, आपका दरबार है, भर लो वहां से आटा ले लो लेके जाओ। ए भैया सुमन झुक कर आटा को अपने थैले में भरने लगी लेकिन चचा के निगाह कहाँ और डाटा पे, वो तो भरत है आटा सही हो ना। ए भैया देखत हुए जब देखत देखत इनसे बर्दाश्त ना भल, कहे क्या भर रही हो कब से, ओकर हथवा थैलवा पकड़ के 2-3 बार भर दे, भरे के बाद हाथ पकड़ के कहत हुन कहले कि जान ला कि बर्दाश्त ना भल हमसे, बड़ा डर लगत रहल कि केहू से कह देबू, कहे तोहके देखी ला तो जान ला कि जियरा सनसनाए लगल है, तू हमके बहुत नीक लागेलु। ए भैया मुस्किया के हाथ छोड़ा के सुमन वहां से निकल जाती है। जब रास्ते में चला तो चचा के बारे में सोचत चला तो कैसे ये गीत बदल गीत भैया कौन गीत आ हमारी ओरी आए राजा हो 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 अरे हमारी ओरी आए राजा हमारी ओरिया करवट फेरन बलमुआ हमारी ओरिया करवटी
सोच धनिया चरावा सोच धनिया कर ले मन में भी चरावा रास्ते में जा रही है घर की तरफ सुमन और चाचा की बात उसके दिमाग में नाच रहा है। रह रह के अकेले मुस्कियाए लगे कि चाचा को उम्र लगभग 40-45 साल, इनकर नीयत बड़ी गंदी हो। हम लगा था कि चचा के नीक लगी लका, बड़ा आगे पीछे सोचे तो हसत हो जात हो। हरकत रविंदर के बाओ, हरकत रविंदर के बा ही हमें समाइल, चलत चलत बबुनी मार ली स्माइल, पागल रनिया हो भैली पागल रनिया, मन में बिचारावा पागलनिया कर ली। ए भैया उस दिन तो समय बीत जाता है, लेकिन जब मौका पावे बीरेंद्र गौड़ तब संतोष के घरे पहुंच जाए। अक्सर वही टाइम के पहुंचे जब संतोष न रहे, जाए अपन गप सड़ाका मारे, वही सुमन से अपन आगे पीछे मन मन बतियावे। और सुमन थोड़ा नाबालिग थी, उसको उतना ज्ञान नहीं था, जान नहीं पाई, वो समझ नहीं पाई। वो भी उस लाशे में आ जाती है और वो भी मौका पाकर जब मौका मिले चक्की पे तब चली जाती थी। धीरे 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 ये बात इतना आगे बढ़ गया कि चरम सीमा पर पहुंच गया। तब वीरेंद्र सोचला कि अगर अब नंबर उम्बर दे दे ही तो अगर फोन से बात होत हो लगी तो काम आगे बढ़ी। ए भैया एक दिन आई चक्की पे और मोबाइल नंबर देहल कहल कि सुमन कहल का कहे कि जब तोके मौका मिले तो तनी फोन से बतिया ले करा तो कर कुछ और आनंद आई। अब एक दिन भैया मौका पा के फोन लगेले बा, जब लड़किया फोन लगेले तो वीरेंद्र चचा कहत कहा मास्टर भैया कौन गीत लगल हो। अरे पूर्वो से फूटली किरनियान हो, जागा भोर भैली माए, इनके बुढ़ौती में शर्म ना आवत हो, उम्र 45 साल हो। उ लड़की के ही फोन पे का कहत हुन सुरेश भैया, बस गईलू हो, बस गईलू दिल के भीतरियान हो, बस गईलू दिल के भीतरियान हो, सालत बाड़ू बन के बान, बस गईलू लेके
भगवान की 24 घंटा में मन कहला कि 20 घंटा तो उसे फोन पे बतियाई, ये दिल इतना बेचैन रहला तोहरे बिना। एक पल बीते नहीं के तोहरा बिन ये रानी, बुढ़वा कहत हो कि ये करे जा ए जान, बिदिया गिरावे ले हो, बिदिया गिरावे ले बिजुरिया न हो सालत बारू बन के बान, बिदिया सुमन भी मौका पहले बार जब दो चार छह बेरी मुन्ना भैया बतियले बे, तब धीरे धीरे एकर भी काटा बतावे लगा। अब हर बुढ़वा टैटे हो बुढ़ौती में 45 साल वाले में। हाँ ए भैया, जब दोनों की मोहब्बत चरम सीमा पर पहुंचती है तो कभी जी टेरी में भाव देले मास्टर भैया। अरे कली पे मातल पागल भवरा, अरे कली पे मातल पागल हो कली पे मातल पागल भवरा, कंचुक कुंच यौवन में मनवा वो कर चातल, अरे हो चातल, अरे हो। ए भैया जब चरम सीमा के पार के लिए तो भयल का, अरे अब इज्जत की परवाह नहीं, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, मदिरा पान करे वो हरदम, अब तार से तार को जोड़ दिया, पावे मौका मारे चौका, यो बन के रस को निचोड़ दिया, अरे बन के माली फूल बगिया को, बन के माली फूल बगिया को एकदम जड़ से तोड़ दिया। भैया फोने से बतियावत बतियावत गाड़ी इतना आगे बढ़ गई कि धीरे धीरे मिलना जुलना भी स्टार्ट हो गई। अपन जब मौका पावे चक्की बुलावे, जब मौका पावे स्कूले पहुंच जाए, कहे हम इनकर चच्चा ही ले जाते घुमावे, हाँ कहे वाटर पार्क में ले जाते इनके दिखावे वाटर पार्क। ए भैया घुमावट टहरावत धीरे धीरे इतना उपद्रव दोनों कह देने कि जब ये बात के खबर संतोष के औरत के कान में गई तो घबरा जाती है कि आखिर अगर हम नहीं जागते हैं नहीं सोचते हैं तो हमारी इज्जत इससे भी ज्यादा चली जाएगी। ए भैया एक दिन संतोष के राती में बुला के कहता, का कहता मास्टर भैया यहाँ गीत बदल गई। कोनो नया नौहर दुल्हन के गौना करा के परदेसी परदेश जाए के तैयारी करता, दुल्हिया कहता का, अरे दई के जवानी में, अरे दई के जवानी में कल सवाए बलम जी, अरे काहे गैला पूरबू के सवाए बलम जी,
लेकिन कबीर जी भाव का लिख लें। अरे सोने का ली, अरे सोने का ली भी राई ये बलम जी, बिटिया के कई दायब सगाई ये बलम जी। कहली की बिटिया सयान हो गई बा, जुग जमाना जरत बा, अगर शादी ब्याह ना करबा तो पगड़ी तो हाथ डूब जाई। आप तो दिन भर घूमे पे रहेला, कौनो चीज के ध्यान ना देवेला। हाँ बिटिया सयान भई जरत बा जमाना, संतोष की औरत कहने लगी कि वीरेंद्र घर पर आता जाता है, इसका व्यवहार मुझे नहीं जमता है, और हम तो उसे ज्यादा कुछ न कहब बिटिया के ब्याह कह दा। ए भैया ये बात के सुनत रहल सुमन, ये बात के सुमन सुनले तो फोन लगा के वीरेंद्र से कहता कि सुनत आ रहा, अरे पापा मम्मी हमारे शादी खातिर बात करत हुए, अगर कोनो उपाय ना करवा तो लागत कि जल्दी ये साथ छूट जाई। वीरेंद्र कहा आया इसी बात कहा, हाँ मम्मी पापा बात कर रहे हैं, मम्मी बोल रही है कि जल्दी से जल्दी अब सुमन की शादी कर दिया जाए, क्योंकि उम्र भी धीरे धीरे 17-18 साल हो गई, समय सुकाल बहुत खराब बा। ए भैया ये बात के जब वीरेंद्र सुन ले बा, वीरेंद्र गौड़ जो उसका सुमन का लवर था बुढ़वा, तब बुढ़वा करत का बा मास्टर भैया गीत बदल गई। नदिया किनारे ये वाला तू बतावा हम बोलब जोन बोले खोने। गीत बड़ी पुरानी है, दादा के दादा के जमाने वाली बात। बहादुर के दादा के जमाने का है। हाँ अरे का करे बुढ़िया बेचारी, अरे का करे बुढ़िया बेचारी, पतोहिया शिकारी निकली गए। अब कैसे गावे ले लोग, अरे नदिया किनारे हवा डोले, अरे नदिया किनारे हवा डोले, हमारे पिया हमसे ना बोले। भाव हो ये गीत आप लोग के मनोरंजन खातिर बोल देवल जाला, भाव का हो। अरे प्यारी संग बनावे ला रैया, अरे प्यारी संग बनावे ला रैया, कि मीत आज बनल बा कसैया। भैया सुमन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से इस रास्ते से इस कांटे को खत्म कर दे रहा हूं।
सुमन से कहले बा कि तोहरे बाबू के अगर हम जान से मार दे, अगर ये खत्म हो जाई है तो तोहरे परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर हो जाये। जब मन कही तब भी आ करब, और जब तक मन कही तब तक जिंदगी जिये, तोहरे घरे आए जब कोनो दिक्कत होबे न करी। सुमन भी इस बात पर राजी हो जाती है। तब दो चार दिन बीतल बा, एक दिन सुबेरे का टाइम बा, एक दिन रहला सुबेरे का बेला, चाय पे बुलावे करे खातिर खेला, अरे मौका के पवलस मुदैया, अरे मौका के पवलस मुदैया, कि मीत आज बनल बा कसैया, ए भैया संतोष रोज भोर में उठे और नित क्रिया खातिर बाहर जाएं। ए भैया रास्ता बिरेंद्र गौड़ लखत बा, लेकिन एक दिन संजोग से मुलाकात हो जाती है, वही रास्ते से गुजर रहे थे। संतोष आवाज देता है कि अरे का हो मित्र, अरे उधर से चल जाइबा, आवा तनी चाय होए पीला तब जा, चाय बनौले हैं मलकिन तोके बुलावत है। संतोष बात सुनता है तो मित्रता है, लगाव है, पारिवारिक संबंध है। ए भैया चला जाता है और बैठ जाता है और चाय अपने से बनाता है, क्योंकि बिरेंद्र गौड़ के घर पे वाले सब न्योता में गए थे, कोई घर पे नहीं था। ए भैया चाय बना के रखा था और ले आया संतोष को दे दिया। ए भैया संतोष चाय पीने लगा। जब संतोष चाय पीने लगा तो घर के अंदर जाता है, कहे बैठा के तनी नमकीनिया लेता ही। जब अंदर गयल तो करत का हो मास्टर भैया विदेशिया में बताओ के। अरे नियर बुला के हाल चाल बतियावे लगल, समझ न पवल मीत मनावा कबतिया, मीठ बतियाए लागल खूब से फलाए लागल, चाय के थामा के गईल घर के भीतरिया, हाथ हवा में राड लेके चलल नीर दैया हो, बलबूत मार के झूलावल सिमाउरिया, गिरी के जमी पे संतोष छटपटाए लगल, खून से रंगाई गई लंगना दुबरी। बाबू घर में जाता है, बोलता है कि अभी नमकीन लेके आता हूँ, और एक लोहे की राड लेकर आता है और पीछे से वार कर देता है। ए भैया हाथ में कफ का चाय लिए संतोष गिर जाता है कुर्सी से नीचे और छटपटाने लगता है, सर से लहू निकलने लगा। एक और वार करता है, चोट इतनी ज्यादा हो जाती है बाबू कि उसकी दुर्व्यवस्था एकदम शरीर दुर्व्यवस्थित हो जाती है, ज्यादा कुछ नहीं कह पाता, लेकिन एक शब्द एक आवाज निकलती है मित्र के नाते। कहा निकल मास्टर भैया यह गीत हुई है, फटही चदरिया फटही चदरिया फटही चदरिया, ससुरावा जय भेरा, जय
निर्भाव हो, संतोष के जवान से एक आवाज निकलती है। कवन गलतिया, कवन गलतिया, कौन भाई हमसे गलतिया की, हमके सजायस बिहलेरा। में आंसू है संतोष को, और जैसे लग रहा कि हम मूर्छित अवस्था में हो गया है। संतोष नीचे जमी पर है और हाथ में राड लिए वीरेंद्र खड़ा है क्रोध में, लेकिन संतोष दर्द भरी आवाज में कह रहा है, भाई से बड़ी के तोते दिल में बसावली, मीत वाला प्रीत में ना दागी हम लगवानी। भैया हमार तो हर घरेलू संबंध रहल, इतनी मिताई रहल कि कबो हम सपनों में अपने भावना में ऐसन विचार ना कैली, लेकिन कौन इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई कि याद इतनी बड़ी सजा अपने हाथ से देत हुआ। ए बाबू बिगड़ल हालतिया, बिगड़े हालतिया, बिगड़े हालतिया, बिगड़े हालतिया, सजायत बाबू बोलता है कि किस जन्म की ये दुश्मनाएं थी, इतना कह के दम तोड़ देता है। ए बाबू जब संतोष प्राण त्याग देता है तो वीरेंद्र गौड़ घबराने लगता है कि आखिर अब क्या करूं। संतोष की जो शरीर थी बहुत तंदुरुस्त थी, और जो वीरेंद्र गौड़ था वो उनको घिसराने लगा कि इसको घिसरा कर कहीं छुपा दे, आखिर कोई देख लेगा तो फिर हम फंस जाएंगे। ए भैया परेशान हुआ ना उठा तो तब तक वीरेंद्र गौड़ का एक लड़का है गौतम, गौतम आ जाता है और देखता है तो पसीने से तरतर हो जाता है कि अरे बाबू आपने ये क्या कर दिया, ये चाचा को क्या हो गया। ए भैया वीरेंद्र बोले कि बेटा ये बतियाने का समय नहीं है, इसको जल्दी से यहाँ से निस्तनाबूद करो, नहीं तो केहू देख ले तो फसान आ जाए। ए भैया दोनों बाप पुत्र संतोष के वह लाश के यानी वह शरीर के मृतक शरीर के उठा के घिसरा के ले जाए लगले। कहाँ ले गए मास्टर भैया, पहपट में बतावे के भैया। अरे लगा उठाने, अरे लगा उठाने, लगे जोर ना लसिया यसिया आवे ना, और लाग गयल जैसे घर में अब फसिया यसिया आवे ना। अरे उठा न पाया जबकि घाती जोर से गई ले हारी हो, अरे बड़ बेटे को बुला के तुरते कहेला बात तिखारी हो, अरे गौतम बेटा समझ न पावे बतिया छतिया धड़ कहले,
अरे गौतम बेटा समझ न पावे बतिया छतिया धड़कै ले और लाग गयल जैसे घर में अब फसिया छतिया धड़कै ले। गौतम बेटा पूछना चाहता है वीरेंद्र गौड़ से, वीरेंद्र गौड़ जवाब नहीं देता है कि बेटा ये पूछने का समय नहीं है, ले चलो जल्दी इसको बाथरूम के पास। ए भैया बाथरूम के पास एक सोच की टंकी थी पुरानी, उसके पास ले जाता है। ले जाके बाप बेटवा करत कहुन कभी जी आल्हा में बतई ले। अरे कैसन मनौता आज एक दुनिया में भैया, इंसानियत के भैया शर्म सा, लसिया सन तोस के तब दोनों घिस रावे बाबू, लसिया के टंकी में छुपाए बेईमनवा भैया, ऊपरा से गिट्टी भैया डारे उस बार, सोचल कि सहजय में बच जाई जनवा बाबू, बेफिक्र होके घूमे लागल बदकार। ए बाबू संतोष के लाश को घिसरा के लेके जाते हैं बगल सोच की, यानी शौचालय का जो सोच वाली टंकी होती है उसके ऊपर जो पत्थर रखा था ये भैया, वह पत्थर के हटा के उसी टंकी में संतोष के लाश को डाल देते हैं, और फिर पत्थर रखने के बाद बगल में गिट्टी थी, गिट्टी भी उस पे गिट्टी से ढक देते हैं, और ढकने के बाद अपने बेटे से वीरेंद्र बोलता है कि बेटा ये बात किसी को मत बताना, हमारी और इनकी बहुत पुरानी दुश्मनाएं थी, इसीलिए इनसे हमने दोस्ती किया और इसको इनको आज जड़ से खत्म कर दिया। ए भैया यार धीरे धीरे टाइम जब ओवर हो गई, दोपहरिया का टाइम हो गई, तो संतोष के घर वाले संतोष के खोजत हुअन, खोजत खोजत एकदम परेशान हुअन, संतोष मिलत ना हुअन। ए भैया तो भैल का आल्हा में पूरा पर्दा लगी मास्टर। संतोष के खोजे लगला घर आवा के लोग आवा, सुबह से 12 बजल इस बार, चारों ओर खोज खोज जब थकी गई ले, कतहु न पतावा चलल उस बार, होई के ही रात का है संतोष के गुजरिया, बेटावा से अपने हो बचन उचार, पतावा लगावा वही रविंदर के घरावा, रहिया में रविंदर से भाई ले दीदार,
कहे चाचा पापा के कतहु हो देखला और रविंदर के मुहा से न फूटेला बेकार बाबू। ए बाबू जब हर जगह से खोज के हार जाते हैं तो संतोष की औरत अपने बेटे को बुला के कहती कि ये बेटा अरे बीरेंद्र चाचा के यहाँ पापा तुम्हारे आते जाते हैं, बीरेंद्र चाचा से पूछो वो बताएंगे कहीं गए होंगे या उनको जानकारी होगी। ए भैया संतोष का लड़का आधे रास्ते पहुँचल बा तबे बीरेंद्र से भेंट हो गई। कल्स की ये चाचा अरे पापा सुबेरे से कहाँ हुअन मिलत नहीं हुअन कहीं दिखला है। ए भैया बीरेंद्र जब आवाज को सुनते हैं तो घबराहट वाली आवाज में कहते कि ना 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 हमको नहीं मालूम कहीं गए होंगे पता लगा लो। ए भैया जब इतना बात के कहले तो संतोष के लड़का के उनके बात के उनके बोलला के ऊपर सदमा भइल कि रोज कैसे बतियावत रहले इनकर दोस्त हुअन आवाज गायब हुअन इन कहत हुअन कि ना हमके ना पता हो खोजला कहीं गएल हुई है। तो ऐसे सदमा लगत हो कि लगत हो कुछ कलाकार ये नहीं के बा। ए भैया थाने पे गई बा वहाँ रिपोर्ट दर्ज करेले बा कहले बा कि साहब हमके शंका बीरेंद्र चचा जो हमारे पिता के मित्र थे उन्हीं के ऊपर हमारा सदमा जा रहा है, आप अपने स्तर से उनसे पूछ लीजिए शायद मेरे पिता का पता चल जाए। ए भैया थाने से मनोज कुमार एसपी साहब और डीएसपी साहब में तमाम सिपाहियों के साथ पहुंचते हैं बीरेंद्र के घर पे। और जब बीरेंद्र के घर पे पहुँचने तो कबीर जी बतैले खड़ी में कैसे अरे थाने आके शंकवा जतावे लगल एसपी साहब से बतिया बतावे लगल। अरे रविंदर के द्वार पर पहुंचे थानेदार हो और पकड़े रविंदर के पूछल इस बार हो। अरे जुटल गांव मोहल्ला अरे डरवावे लगल एसपी साहब से बतिया बतावे लगल। ए भैया पहुंचते हैं और रविंदर मौके पे घर पे था उसको पकड़ लेते हैं उसके बेटे को पकड़ लेते हैं। एसपी साहब पूछने लगते हैं कि बताओ आखिर संतोष से तुम्हारी इतनी जमती थी और पारिवारिक संबंध था और शाम हो गई और संतोष मिल नहीं रहे हैं आखिर में तुम बताओ क्या तुम्हें पता है। ए बाबू दिखा जब घटना कोनो कैले रहा या चोरी कैले रहा तो तुहार नीयत तुहार सूरती तुहार चेहरा तुहार रंग रूप खुदे बता दी। ए भैया बीरेंद्र घबराने लगा और आवाज उसकी कांपने लगी ओठ कांपने लगा। दरोगा साहब डांटने लगे बताओगे कि हमें अपने भाषा में तुमसे पूछना होगा। ए भैया नहीं आवे लगल पूरा गांव जुड़ जाता है और पूरा गांव सदमे में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। ए भैया जब नहीं आवे लगल तो दुई डंडा देखल दरोगा साहेब कहले बताओगे लेके गई पकड़ के थाने पे। जब थाने पे पकड़ के लेके गई डंडी आवे लगल तब का भैया अरे असली रुपया पर तब देखावे प्रशासन और खोल दिया पोल तब देने लगा भाषण। ए भैया जब पुलिस के डंडा पड़ल पुलिसिया भाषा में पूछे लगल तो लगल बक्के कलश की साहब ऐसे ऐसे भइल भाई है बात बा कहे कहाँ रखले हुए। अरे कहे साहब वही पिछवाड़े सोच वाली टंकी में टुपले हैं। अरे लेके अइले गिट्टी तरवावे लगल एसपी साहब से शंकवा जतावे लगल।
ए भैया वीरेंद्र गौड़ को लेके आते हैं थानेदार उनके घर पर और गिट्टी हटवाने लगे, पूरा गांव जुट कर देखने लगा। ए भैया जब गिट्टी हटाई जाती है उसके अंदर से पत्थर हटाया जाता है तो संतोष की लाश उसी पानी के टंकी सोच वाली टंकी में मिली। ए भैया बाहर निकालते हैं लाश को, पोस्टमार्टम होता है और संतोष की बिटिया जो सुमन थी यानी जो वीरेंद्र गौड़ की लवर थी उसको और वीरेंद्र गौड़ को और वीरेंद्र के पुत्र गौतम को सजा हो जाती है, जेल हो जाती है। और हमारे कहने का मतलब यही है कि ऐसा समाज है और हिंदुस्तान हो, ऐसा कुकर्म करने वाले पापी को जेल की सजा का अगर सरकार को चाहिए उसको फांसी के फंदे पर झुला दे। तो समाज में जीना है अगर सम्मान से रहना है तो ऐसा कुकृत नहीं करना चाहिए, किसी को विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वासघाती से बड़ा पापी कोई नहीं है इस संसार में। अरे सोने के चिड़िया कैसे रही हिंदुस्तान हो, और धंधा के फंदा में घूम ले बेईमान हो। तो भैया यह बेईमान से बच के रहा गुरुपत्तू गुरु काशी बुल्लू राम अवधपति राम तेज बहादुर जोखई नंदन, ये कैसा हिंदुस्तान। अरे कली पे मातल पागल भवरा, अरे कली पे मातल पागल भवरा, जितू कभी संतोष के सुन के माथा फाटल, कभी पे मातल